बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हियर इज़ आई एम सादिया नसीम, योर साइंस टीचर फ्रॉम क्लास सिक्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन ऑन योर बुक पेज नंबर 15। ओके, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 15। लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन यू हैव शोन सम मेजरिंग सिलेंडर्स नेम्ड ए, बी एंड सी। वट यू हैव टू डू नाउ? नाउ यू हैव टू मार्क 30 cm³ ऑन डायग्राम ए। लुक एट द डायग्राम ए, देयर आर 0, 20, 40, 60 cm इंडिकेटेड ऑन द डायग्राम ए। नाउ हाउ मच विल बी 30 cm? यू नो दिस इज 0, इन बिटवीन 20 and 0 इट विल बी 10 cm³। इट्स अंडरस्टूड? एंड वेयर विल बी 30 cm³? दिस इज द 30 cm³। अंडरस्टैंड? यू लेबल इट ऑन योर बुक। एंड ऑन द नंबर 2, वट यू हैव टू डू? यू हैव टू मार्क 25 cm³ ऑन डायग्राम बी। वेयर इज डायग्राम बी? दिस इज 20 cm, दिस इज 30। हाउ मैनी लाइन बिटवीन 20 and 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स 2, 3, 4, 5। दिस इज द 25 cm³। नाउ हेयर इज 48 cm³ ऑन डायग्राम सी। दिस इज डायग्राम सी। यू हैव टू मार्क 48 cm³। दिस एक्सरसाइज यू विल सॉल्व योर ओन सेल्फ। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। वट यू हैव टू डू? यू हैव टू मार्क 48 cm³ ऑन डायग्राम सी। लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4। हेयर यू हैव सीन यू देर इज अ टेबल। ओके, इन दिस टेबल दे हैव शोन यू द मेजरमेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर दीज थिंग्स एंड यूनिट ऑफ दिस मेजरमेंट एंड इट्स सिंबल। इन द टॉपिक टेकिंग मेजरमेंट्स यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट मेजरमेंट्स। यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। वट इज फर्स्ट मेजरमेंट? लेंथ। वट इंस्ट्रूमेंट यू यूज फॉर टू मेजर द लेंथ? आई टोल्ड यू अ स्केल और मीटर रॉड और यू मे ऑल्सो यूज टेप मेजरमेंट, टेप, इंचिस टेप और अदर सच इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, द यूनिट टू मेजर द लेंथ इज मीटर एंड व्हाट्स द सिंबल ऑफ मीटर? एम। यू राइट लाइक दिस एम। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ विच इज 4 meters लॉन्ग। यू विल राइट, हाउ यू विल राइट इट? 4 meters। अंडरस्टैंड? नाउ द अदर इज द, you understand, you know, balance is the instrument they have shown you. What we measure by using the balance? We measure weight or mass by using the balance. Which unit is used? Gram. Okay, and which is the symbol of gram? They have shown you g. Small g is the symbol of the gram. Okay, now what is your homework? You have to read the topic taking measurements and you have to complete this table. The two lines I have completed and remaining 3 lines you will complete by your own self. Okay, and look at the next exercise, exercise number 3. In this exercise there is also a table which shows the hand span of some students. Now look, what is the hand span of the student? 12 cm hand span with 0 students. There is, look at this table. For example, these are the students of any class and we observer have measured the hand span of the students. So first of all, there were 0 number of students with 12 cm hand span. It means no student with 12 cm hand span. Only one student whose hand span was 13 cm. This is our hand span. Okay, 13 cm hand span was only one student. There were 2 students with 14 cm hand span. There is shown the hand span and there is number of students. Okay, you have to read this table. Now you have to
गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस बाय रीडिंग दिस टेबल. क्वेश्चन नंबर वन, प्रेजेंट दिस टेबल इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट. दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस. यू विल टू मेक अ बार चार्ट. हाउ यू विल मेक बार चार्ट? फॉर मेकिंग बार चार्ट यू विल मेक अ हॉरिजेंटल लाइन, देन यू विल मेक अ वर्टिकल लाइन. यू विल राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, 0, 1, 2, 3, 4. हेयर यू विल राइट द हैंड स्पैन्स, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन. नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर विद 12 हैंड स्पैन? नो, 0. ओके, यू विल नॉट राइट एनी थिंग एट द 12. हाउ मैनी स्टूडेंट्स विद 13 हैंड स्पैन? ओनली 1. योर बार विल बी ओनली फॉर 1 स्टूडेंट्स, लाइक दिस. हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर विद 14 हैंड स्पैन? 2. हेयर 14 हैंड स्पैन, 2. हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर विद 15 हैंड स्पैन? 3. ओके, यू विल टेक द 15 अप टू द 3 स्टूडेंट्स, दिस. अंडरस्टैंड? हाउ मैनी विद 16? यू विल टेक इट अप टू 4. वी आर मेकिंग अ बार चार्ट लाइक दिस. यू अंडरस्टैंड? आई हैव मेड दिस बार चार्ट अप टू दिस लेवल. नाउ यू हैव टू कम्प्लीट दिस बार चार्ट. यू विल मेक द स्टूडेंट्स विद देयर हैंड स्पैन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यू विल कीप द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन वर्टिकल कॉलम एंड स्टूडेंट विद द हैंड स्पैन ऑन द हॉरिजेंटल साइड. देन यू विल मेक अ बार चार्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वट इज द स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन? स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन क्या है? स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन हेयर शोन इन द टेबल इज 12 सेंटीमीटर, बट देर इज नो स्टूडेंट विद 12 सेंटीमीटर. सो इन दिस क्लास द 13 सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन. सॉल्व दिस एक्सरसाइज विद मी. वट इज द स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन? 13 सेंटीमीटर. वट इज द मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन? मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन इज 20 सेंटीमीटर. वाई इट इज मोस्ट कॉमन? बिकॉज देर आर 9 स्टूडेंट्स विद 20 सेंटीमीटर. नो अदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैच दिस. सो द मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन इज 20 सेंटीमीटर. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द सैम्पल? यू हैव टू एड ऑल दी स्टूडेंट्स एंड यू विल राइट देयर सम हेयर. टोटल हेयर आर 49 स्टूडेंट्स इन दिस सैम्पल. यू गोट माई पॉइंट? ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू डू योर होमवर्क. वट इज योर होमवर्क? यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1. यू हैव टू कम्प्लीट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड यू हैव मेक अ बार चार्ट. ओके, थैंक यू सो मच.